अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में रागलान स्लीव्स के साथ शर्ट की बहुत ही इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। ये देखें वीवर्स, ये मैंने 1.5 गज़ कपड़ा लिया है। इससे मैंने 5 से 7 साल की बच्ची के लिए शर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले हमने इसका साइज़ करके दिखाना है आपको। इसकी लेंथ रखी है हमने 23.5 इंच और चौड़ाई रखी है 20 इंच। ये फोल्डिंग में है। अब हमने ये इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम रखना है, आप चाहें तो पूरा भी रख सकते हैं। चेस्ट हमें 13 इंच हमारा नॉर्मल शर्ट पे तैयार होता है तो ये मैंने इसका 18 इंच रखा है। अब यहाँ से हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है हमारा कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारा साइज है 9 इंच, 18 इंच बनेगा और यहाँ से नीचे का घेर है हमारा 10 इंच। अब ये तिरछा करने की वजह से थोड़ा हमारा इधर उरेब आ गया है तो हम इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये 2.5 इंच पर कटिंग करनी है हमने इधर से और इस तरह करनी है 5 इंच पर। यहाँ नीचे से भी राउंड में कटिंग करनी है। यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से 4 इंच पर। ये देखें वीवर्स, ये हमने बाजू अलग कर लिए थे। इसकी चौड़ाई हमने 6.5 इंच रखी है और लंबाई बाजू जो नॉर्मल बाजू की लंबाई थी वो 13 इंच थी तो 5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये बाजू नेक से शुरू होता है इसलिए लंबा रखना होता है हमें। और अब हम इसको इस तरह रखेंगे जैसे ही हमने शर्ट की कटिंग की है इसी तरह ही हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ से ये देखें ये 2.5 इंच पर और इस तरह ये 5 इंच पर हमने कटिंग करनी है। ये देखिए हमने ये रैगलान स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से इसको राउंड में लेंगे इसलिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने ये इधर तक कटिंग ख़त्म करनी है। अब हमारी शर्ट की कटिंग शुरू हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट अलग कर लेंगे। इसकी भी हमने ऐसी कटिंग करनी होती है फ्रंट के आर्म होल की, जिस तरह हम आम शर्ट के आर्म होल की ज़्यादा कटिंग करते हैं। ये फ्रंट का पार्ट है। अब हम ये बाजू रखेंगे इस तरह। इसमें हमने सिलाई करते हुए ध्यान करना होगा कि हमारा फ्रंट का हिस्सा कौन सा है। अब हमने दोबारा से 1.25 इंच पर फ्रंट की गहरी कटिंग करनी है और ये हमारा फ्रंट का बाजू है तो इसकी भी हम इसी तरह हल्की सी कटिंग करेंगे। ये देखें वीवर्स, ये मैंने आपको वाजे करने के लिए ये कपड़ा उल्टा रखा है ताकि आप देख सकें ये हमारी कितनी कटिंग हुई है यहाँ से। और ये फ्रंट का आर्म होल ये देखें हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है और यहाँ से भी हल्की सी कटिंग हुई है हमारी। अब मैं आपको रेम में पट्टी कटिंग करके दिखाऊंगी कि हमने कैसे नेक का डिज़ाइन तैयार करना है। ये नेक के डिज़ाइन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इस प्रिंट के साथ मैच करते हुए। अब हम इसको
इस तरह फोल्डिंग में रखेंगे और इस तरह ये डेढ़ इंच की पट्टी बनाएंगे हम। ये डेढ़ इंच फोल्डिंग में है, इसको खोलेंगे तो ये तीन इंच की चौड़ी है पट्टी। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी पट्टी की लेंथ कम है तो हम इस तरह करके और पट्टी ले लेंगे और इसको जॉइंट करके तकरीबन 40 से 41 इंच इसकी लेंथ तैयार करेंगे हम, जो नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब हम ये बाजू की डिज़ाइनिंग करने के लिए ये पट्टी निकाल रही हैं। इस तरह इसको इसके ऊपर रखते हुए एक ही साइज़ में हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये रैगलान स्लीव्स के साथ हमारी शर्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे जो कि बेहद आसान है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इस चीज़ को देखना है, ये जो फ्रंट का आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है और इसकी भी, इन दोनों को आपस में टच करना है। इन दोनों को आपस में इस तरह हम टच करेंगे और सिलाई करेंगे यहाँ से। ये फ्रंट के आर्म होल को जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम फ्रंट के दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने फ्रंट और बैक दोनों के ये स्लीव्स जोड़ लिए हैं। अब हम ये लेफ्ट साइड से इसको खोलेंगे सर गुजारने के लिए। तकरीबन 3 इंच खुलेगा और हम यहाँ बटन टेक लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा के बटन टेक लगाएंगे। अब हम यहां से चुनने शुरू करेंगे। ये हल्के हाथों से चुने देनी है इधर। इस तरह हम अंदाजे से चुने देते हैं, आप चाहें तो धागे वाली भी दे सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमें चुने दी हुई नेक 6 इंच चाहिए लेकिन ये 7.5 है। अब हम इसको कम करने के लिए एक सिलाई और राउंड में लगाएंगे और हल्की हल्की चुनट और देंगे ताकि ये हमारी 6 इंच में कंप्लीट हो जाए। देखें यहाँ हमारी चुने ज़रा हल्की हैं तो हम मज़ीद और लगा लेंगे यहाँ। ये देखें व्यूअर्स, ये दोबारा हमने राउंड में सिलाई लगाई है तो ये अब हमारा 6 इंच तैयार हो गया है। अब हमने जो रेम में पट्टियां काटी थी तो इसको हम जॉइंट करेंगे इस तरह। यहाँ सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह सीधी पट्टी बनेगी, इससे हमारी नेक की डिज़ाइनिंग होगी। ये देखें व्यूअर्स, रेब वाली पट्टी को हम इस तरह प्रेस से गुलाई में करेंगे। ये रेब वाली पट्टी को जिस तरह भी मोड़ा जाए मुड़ जाती है। हमने ये गुलाई करनी है तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम यहाँ इसकी गुलाई कर लेंगे।
ये सेंटर से रखते हुए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे कट का। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो अब हमने 6 इंच पर निशान लगाया था ये कट का, इस कट को यहाँ रखते हुए ये शर्ट की सीधी साइड है और यहाँ उल्टी है। इस पट्टी की सीधी साइड रखते हुए हमने सिलाई लगानी है यहाँ। यहाँ हमने सिलाई ख़त्म कर देनी है, ये देखें। ये देखें, ये हमने राउंड में सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को करेंगे उल्टा इस तरह और यहाँ से गुलाई में सिलाई शुरू करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ आकर आधे इंच की दूरी पर हमने सिलाई ख़त्म करनी है। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी पट्टी पलट चुकी है। अब हम इसको इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये अब हम यहाँ पट्टी लगाएंगे और टिच बटन लगाएंगे ताकि ये बंद हो जाए। इसकी जो सिलाई लगी हुई है इसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है हमने। हमने बाजू का भी सेम वही डिज़ाइन बनाना है जो हमने नेक का बनाया है। तो ये मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। जब इसको खोलेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगा। अब इसको इस तरह यहाँ से सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने ये कट लगाया था यहाँ हम सिलाई रोक लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, बाजू की पट्टियों को भी हम इस तरह गुलाई में काट लेंगे। अब हम बाजू पर हल्की सी चुनट देंगे जितनी हमें मोरी चाहिए बाजू की। अब इस बाजू को थोड़ा सा हम बंद कर लेंगे यहाँ तक। ये देखें, ये बाजू की पट्टी फोल्डिंग में है। इसके सेंटर का हम यहाँ निशान लगाएंगे। इस पट्टी के सेंटर को मिलाते हुए और ये जो हमने सिलाई बंद की थी बाजू को, यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। जहाँ से ये हमने सिलाई लगाई थी वहाँ आके रोक देने। ये देखें व्यूअर्स,
ये हमने राउंड में सिलाई लगा ली है यहाँ तक। अब हम इसको इस तरह उल्टा करते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और ऐसे ही हम अब दूसरी तरफ लगाएंगे सिलाई। ये देखिए अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। ये देखें ये जो पट्टी रखी है हमने, ये 31 इंच की पट्टी है। अब हमने इसे नॉट लगाना है और इसकी बो बनानी है। ये देखें अब मैं आपको इसकी शर्ट की फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें शर्ट हमारी तैयार हो चुकी है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये हमने रैगलान स्लीव्स रखे थे, देखें दूसरी तरफ से हमने ये स्लिट खोला है सर गुजारने के लिए और यहाँ टिच लगा दिया है। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बच्चों के लिए गर्ल्स के लिए साइज़ हम उतना ही रखेंगे जितना एक आम शर्ट का रखा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।